वाईफाई के बारे में बहुत सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ आज के वीडियो में। अगर आप YouTube पर सर्च करते हो इससे रिलेटेड कि वाईफाई को कैसे हैक करना है, तो आपको वहाँ पर कुछ ऐप बताया जाएगा जिसको आपको डाउनलोड करना है। उसके हेल्प से आपको बोला जाता है कि वाईफाई आप किसी का हैक कर सकते हैं। इससे कोई फायदा होता नहीं है, बस यूट्यूबर का व्यू बढ़ता है और आपका टाइम वेस्ट होता है। पहली चीज की जिस ऐप से आपको वाईफाई हैक करने के लिए बोलते हैं, क्या आप उस ऐप के बारे में जानते हैं कि वो काम कैसे करता है, किस तरह से उस वेबसाइट पर हैकिंग की जाती है? मैंने आपको मोबाइल हैकिंग से रिलेटेड पहले ही वीडियो में बताया था कि वाईफाई से रिलेटेड आपको फोन को हैक किया जा सकता है, इसलिए कहीं भी आप फ्री में वाईफाई आपको मिलता है तो आप उसको यूज ना करें। यह न्यूज बहुत ही कॉमन है, आपने टीवी पर भी देखा होगा न्यूज में या फेसबुक पर कहीं भी पढ़ा होगा कि वाईफाई से मोबाइल हैक करते हैं हैकर। ये ज्यादातर सीन मॉल में होता है, रेलवे स्टेशन पर होता है या पब्लिक प्लेस पर होते हैं। इसलिए आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ कि कहीं भी आपको फ्री वाईफाई मिले तो प्लीज उसको यूज ना करें। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि जो यूट्यूबर आपको ऐप बताते हैं कि इस ऐप से आप वाईफाई को हैक कीजिए और आप उस ऐप में लॉगिन भी करते हैं और उसको एक्टिव भी करते हैं, तो बिना परमिशन, तो बिना उस ऐप के बारे में जाने कि हम उससे दूसरे का वाईफाई हैक कर रहे हैं, उस ऐप के हेल्प से हमारा ही फोन हैक हो रहा है। बिकॉज हैकिंग एक बहुत ही लेवल ऑफ स्किल है। अगर आप उसके बारे में नहीं जानते हैं तो बिना कुछ जाने किसी भी ऐप या वेबसाइट पर आप किसी टाइप का लॉगिन बिल्कुल ना करें। अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पर। पहला जो सवाल है कि क्या हम वाईफाई हैक कर सकते हैं, तो इसका सीधा सा जवाब है हाँ और ना भी। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको हैकिंग से रिलेटेड कितना नॉलेज है। अगर आपको हैकिंग से रिलेटेड नॉलेज नहीं है, बस आप यूट्यूब वीडियो देखकर किसी भी वाईफाई को आप हैकिंग कर रहे हैं, तो आप बस चूतिया बन रहे हैं और कुछ नहीं। क्योंकि आपको पता भी नहीं है कि जो आपने ऐप डाउनलोड किया है फ्री वाईफाई देकर आपके डाटा को ले रहा है या नहीं ले रहा है। बेसिकली वाईफाई में सिक्योरिटी यूज होते हैं WEP, WPA एंड WPA2। इनमें से सबसे वीक सिक्योरिटी जो होता है वो होता है WEP। इसे आप इजिली क्रैक कर सकते हैं, पर आपको ये चीज पता होना चाहिए कि आप जो वाईफाई हैक कर रहे हैं उसमें कौन सा सिक्योरिटी है। क्योंकि WEP को तो आप हैक कर सकते हैं बहुत ही इजिली से, लेकिन WPA और WPA2 को हैक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब दूसरा सवाल आता है, क्या हम मोबाइल से हैक कर सकते हैं अदर वाईफाई को, किसी भी ऐप को डाउनलोड कर? हाँ, ये काम हैकर कर सकते हैं। अगर आप हैकिंग जानते हैं तो आप कर सकते हैं, पर जिस वाईफाई को आप हैक कर रहे हैं उसमें WPA ऑन रहना चाहिए, अदरवाइज आप हैक नहीं कर सकते। जो वाईफाई आप हैक कर रहे हैं उसमें WPA ऑफ है तो आपको मोबाइल से वो चीजें हैक नहीं कर सकते, आपको कंप्यूटर का यूज करना पड़ेगा। उसके साथ ही आपको वाईफाई अडेप्टर भी लेना पड़ेगा। अगर ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि WEP क्या है, WPA क्या है, WPA2 क्या है, तो आप हैकिंग बिल्कुल करने की कोशिश ही ना करें। क्योंकि आपको ये तीन चीजें जब पता नहीं है तो आप हैकिंग किस तरह करेंगे। वाईफाई हैकिंग या किसी भी टाइप की हैकिंग से रिलेटेड चीज आप सिर्फ यूट्यूब वीडियो देखकर बिल्कुल ना करें। अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज है हैकिंग के बारे में, आप जानते हैं, तब आप ये ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। आई होप कि आपको वाईफाई से रिलेटेड सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। मैं आपको इस वीडियो में डरा नहीं रहा हूँ कि ये चीजें नहीं हो सकती है, नहीं सकती, बस आपको अलर्ट कर रहा हूँ कि ये चीज आप ना करें। किसी भी हैकिंग को लेकर आप किसी भी इशू में फंस जाते हैं तो आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। इनफैक्ट जो वाईफाई का ऑनर है आप पर केस भी कर सकता है, तो क्या फायदा है ऐसे वाईफाई को हैक करने का। अगर ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है कि हमारा जो प्लेलिस्ट है रियल लाइफ प्रॉब्लम, उसमें आपके लाइफ से रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है जिसे आप देखकर बहुत कुछ सीख सकते हैं। और हमारा वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए एडियोगा मैच टेक चैनल।